पब्लिक एक्सपेंडिचर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाला बजट है यह एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में अनाउंस किया गया बजट है आपने देखा कि जिस तरीके से एमएसपी के लिए सत्ताईस हज़ार करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है नेशनल हाईवेज़ के ग्रोथ के लिए पीएम एम गतिशक्ति योजना के लिए जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को भी बुस्टअप किया गया है पिछला जो दो साल का कार्यकाल था निश्चित तौर पर कोरोना के कारण बीच बीच में सरकार ने डिफरेंट इंसेंटिव्स एंड अनाउंसमेंट किए थे जिससे जो एक फ्रेगमेंटेशन का दौर था वो कॉन्सोलिडेट हुआ था और आज एक बार फिर से हम अपना लोअर बेस इकोनॉमी का मजबूत बनाए रखें जिसकी बुनियाद पर भारत जब 100 साल का जश्न मना रहा होगा आज़ादी के तब उस वक्त हमारी इकोनॉमी क्या होगी आज उसकी बुनियाद रखी गई है निर्मला सीतारमन जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी उनकी भविष्य के लिहाज से दूरदर्शिता को लेकर हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारत को भविष्य में विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखा है वो साकार होगा उसकी बुनियाद आज रखी गई है हम अगर यह सोच रहे हैं कि उसमें लोक लुभावन कोई अनाउंसमेंट हो तो ये निश्चित तौर पर नहीं मिलेगा और जो लोग पहले से यह आरोप लगा रहे थे कि चुनावी राज्यों को देखते हुए कोई अनाउंसमेंट किया जाएगा तो आप यह कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर किसी भी तरह से प्रभावित हुए बिना एक प्योरली प्रोफेशनल परस्पेक्टिव में भविष्य के लिहाज से भारत की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए भारत के भविष्य के लिहाज से एक बेहतर बजट अनाउंस किया है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद